और ये भी आज मिनेश भगवान का ही कार्यक्रम है। ये मिलन समारोह सदा मिनेश भगवान का कार्यक्रम है और मिनेश भगवान की जयंती चाहे वो एक वीक बाद मनाए या एक वीक पहले मनाए, उसको मिनेश भगवान कार्यक्रम के समारोह के तौर मनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी की समिति सदस्य हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी भाई हैं, बहने हैं, उनका हम बहुत आभार का प्रकट करते हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम आयोजन किया और हमें एकता का प्रदर्शन करने का मौका दिया। हम इलाहाबाद से राष्ट्रीय मीना विकास संगठन के नाम से संगठन है, हम भी प्रयास करते हैं कि इस तरह के समारोह में पूरा पूरा भाग लें। और इसी के साथ साथ मैं अपना दो शब्द विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रुकमैया मीना जी। लोगों को जो पढ़ाते हैं, जो खेल के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आप ध्यान दें। सर मीना एक ईमानदार जाति है, अच्छी लगे वहां ताली बजा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ताली काफी देर से बजी नहीं है, अब हमारे बाहर जो मेहमान आए हैं तो वो क्या समझेंगे बताओ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मीना एक ईमानदार जाति है, गांव हो या शहर है, छात्रावली करती है, छात्रावली करती है। मीना एक ईमानदार जाति है, गांव हो या शहर, छात्रावली ही करती है। मेरे ताऊजी का नाम है हंडू, बेसिक जानकारी के लिए सर। मेरे ताऊजी का नाम है हंडू, दर्द खत्म हो जाता है जब पद गाते हैं दबले राम और चंडू। दर्द खत्म हो जाता है जब पद गाते हैं दबले राम और चंडू। देश के अंदर फैला है हमारा जाल, अभी सर बता रहे थे, देश के अंदर फैला है हमारा जाल, क्योंकि टीम के कप्तान थे छुट्टन लाल, क्योंकि टीम के कप्तान थे छुट्टन लाल। समाज में कुछ ढीले कुछ सख्त हुए, कुछ ढीले कुछ सख्त हुए, समाज में कुछ ढीले कुछ सख्त हुए, मल्ला बाबा जैसे भक्त हुए, मल्ला बाबा जैसे भक्त हुए। जो जानते हो तो ताली बजा रहे, जो नहीं जानते वैसे मेरे हिसाब से जो लिखा मेरी जानकारी के हिसाब से, हम राजा हुए हम ज्ञानी हुए, हम राजा भी हुए हम ज्ञानी भी हुए, हम राजा हुए हम ज्ञानी हुए, भगवाड़ा के कुछ दानी हुए, भगवाड़ा के कुछ दानी हुए, भगवाड़ा के कुछ दानी हुए, कुछ बाबा हुए कुछ खाबा हुए, समझ लेना इशारा ही करता हूं। कुछ बाबा हुए कुछ खाबा हुए, कुछ विधानसभा में बस ज्यादा हुए, कुछ बाबा हुए कुछ खाबा हुए, कुछ विधानसभा में बस ज्यादा हुए। हमारी संस्कृति बहुत कुछ कह जाती है, हमारी संस्कृति बहुत कुछ कह जाती है, जब सिर पर रुमाल और घर स्प्लेंडर आती है, सिर पर रुमाल और घर स्प्लेंडर आती है। यहाँ शादियों में आती होगी स्प्लेंडर प्लस। मिस पंजाब व राजस्थान का अवार्ड भी मिल चुका है, समझ लो मिस पंजाब व राजस्थान का अवार्ड भी मिल चुका है, मिस इंडिया की सोच का सपना खुल चुका है, मिस इंडिया की सोच का सपना खुल चुका है। ब्रजेश मीणा जैसे बॉक्सिंग के सुपरस्टार, ब्रजेश मीणा जैसे बॉक्सिंग के सुपरस्टार, पन्ना सैफल को खूब मिला यहाँ प्यार, पन्ना सैफल को खूब मिला यहाँ प्यार, यूट्यूब पे देख लेंगे। जब विधानसभा की शोभा एक पीली लुगड़ी जमाती है, जब विधानसभा की शोभा एक पीली लुगड़ी जमाती है, तब हमें गोलमा माई की याद आती है, जब हमें गोलमा जी की याद आती है। हमारी संस्कृति में बिटोरा खुरपा ठार जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, हमारी संस्कृति में बिटोरा खुरपा ठार जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मैं कहती है खेत की मिट्टी से सच के पांव, अद्भुत संजोग होता है, अद्भुत संजोग होता है, अद्भुत संजोग होता है। ये आगे लिखी है दो तीन घंटे पहले जब मैं ड्यूटी से ड्यूटी में था तब लिखी थी। चलो एक सुना देता हूँ, हमारे यहाँ भाई जो वीडियो बना रहे हैं सतीश, सतीश भाई को कवि सम्मेलन का बहुत शौक है, तो भाई ने कहा कि यार कवि सम्मेलन मैं भी देखने जाऊंगा। मैंने की बात की तो कवि सम्मेलन देखने के बाद उसके साथ क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। जब सतीश भाई कवि सम्मेलन में देख कर घर गया तो उसकी आंखों में जुनून ऐसे भर गया, घर आया तो हड़बड़ाया, घर आया तो हड़बड़ाया, एक सपने में ये इतना बड़बड़ाया, रात में बोला गौर फरमाइए, रात में बोला गौर फरमाइए, बीवी ने एक लात मारी बोला सुन लीजिए।
लात ने बोला गौर फरमाइए, बीवी ने एक लात मारी बोला सो जाइए, फिर उठा, फिर बोला गौर फरमाइए, बीवी ने फिर लात मारी बोला सो जाइए, फिर रात में 2 बजे उठा, फिर बोला गौर फरमाइए, चिड़चिड़ाती बीवी बोली कमीने सुनाइए, चिड़चिड़ाती बीवी बोली कमीने सुनाइए, फिर बोला मैं अपने आप को सतीश समझता हूं। ताली बजा सकते कोई दिक्कत नहीं, मैं बोला कि मैं अपने आप को सती समझता हूँ, रचनाओं में हास का लेख लिखता हूँ, क्योंकि मैं हास रसी कभी तो करता हूँ ना, इसलिए बोला मैं अपने आप को सती समझता हूँ, रचनाओं में हास का लेख लिखता हूँ, और वादा है मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्कुराहट कर दूंगा। भाभी जी से बोल रहा है मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्कुराहट कर दूंगा, लेकिन ताली नहीं बजाए तो फिर से मांग कर दूंगा, ताली नहीं बजाए तो फिर से मांग कर दूंगा। धन्यवाद।